नमस्कार, स्वागत है आपका धोबी घाट पर। मैं हूं अशोक वानखड़े, फिर लाया हूं खबर के पीछे की खबर। नमस्कार, स्वागत है आपका धोबी घाट पर। मैं हूं अशोक वानखड़े, फिर लाया हूं खबर के पीछे की खबर। खबर यह है, शिवसेना और बीजेपी के बीच में बढ़ती हुई दूरी पाटने के लिए बीजेपी ने आरपीआई आठोले गुट के सुप्रीमो रामदास आठोले का उपयोग लेना तय कर लिया है। बीजेपी के वरिष्ठ जनरल सेक्रेटरी रामलाल ने हाल ही में आरपीआई सुप्रीमो रामदास आठोले के घर जाकर 2 घंटा उनसे चर्चा की और उनसे रिक्वेस्ट की कि वो कुछ भी करके सेना और बीजेपी के बीच में संबंध अच्छे बनाए। रामदास आठोले के सेना के साथ बहुत अच्छे संबंध है। भारतीय जनता पार्टी एनडीए का सबसे बड़ा पार्टनर है और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में ही एनडीए की सरकार है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से एनडीए के तमाम पार्टनर्स भारतीय जनता पार्टी से कहीं ना कहीं नाराज हैं। फिर पीडीपी हो, अकाली दल हो, शिवसेना हो या टीडीपी हो, हर जगह नाराजगी के सुर बड़ी प्रमुखता से उठ रहे हैं। खबर के पीछे की खबर यह है, जब से एनडीए की सरकार केंद्र में बनी है तब से एनडीए के तमाम पार्टनर अपने आप को कहीं ना कहीं निग्लेक्टेड मानते हैं। पूरी सरकार सिर्फ 2 लोग चलाने का आरोप वो लगाते हैं। नरेंद्र मोदी और अमित शाह के चलते पूरी सरकार में किसकी सुनवाई नहीं है, ऐसा आरोप एनडीए के पार्टनर का है। भारतीय जनता पार्टी का दुर्भाग्य है कि उनके पास कोई भी अच्छा फ्लोर मैनेजर नहीं है। प्रमोद महाजन के मृत्यु के बाद पार्टी में एक भी ऐसा नेता नहीं है जो तमाम अपने साथी मित्रों से और विरोधियों से अच्छे संबंध रखता हो। इसी के चलते इस सरकार को राज्यसभा में भी कई बार दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। बात विरोधियों की नहीं, यहाँ तो मित्रों की है। कहीं ना कहीं इन सभी एनडीए के घटक दलों से अच्छे संबंध बनाने के लिए स्वयं नरेंद्र मोदी जी को ही पहल करनी पड़ेगी, क्योंकि उनके पार्टी में सिवाय उनके किसी को कोई बड़ा मानता ही नहीं। यह है खबर के पीछे की खबर। देखते रहिए धोबी घाट। नमस्कार, स्वागत है आपका धोबी घाट पर। मैं हूं अशोक वानखड़े, फिर लाया हूं खबर के पीछे की खबर।